यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। खबर उन्नाव से है, जहां पर गैंगरेप मामले में पीड़िता की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद में बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर ने रात 11 बजे सैकड़ों गुर्गों के साथ एसएसपी दफ्तर सरेंडर करने पहुंचे। इस मौके पर विधायक को ना तो लखनऊ एसएसपी मिलने के लिए मौजूद रहे, उल्टे हजरतगंज पुलिस ने विधायक को बेरंग वापस भेज दिया। जब मीडिया ने विधायक से बात करने की कोशिश की तो विधायक के गुर्गों ने मीडिया के साथ भी बदसलूकी की। इस बदसलूकी के समय पुलिस मौन होकर देखती रही। जब ने विरोध किया तो हजरतगंज कोतवाली प्रभारी आनंद शाही खुद विधायक के गुर्गों को रोकने के बजाय मीडिया से उलझने लगे। बता दें कि ये वही बीजेपी सरकार की पुलिस है जो कभी सपा सरकार के समय में पुलिस को गुंडा बताया करती थी और अब विधायक के गुर्गों को बचाने के लिए मीडिया से ही उलझ रही है। तो आपको बता दें कि उन्नाव गैंगरेप मामले में बीती रात करीब 11 बजे विधायक कुलदीप सेंगर एसएसपी दफ्तर पहुंचे, अपने सैकड़ों संख्या में अपने गुर्गों के साथ में यहां पर सरेंडर करने के लिए पहुंचे। लेकिन इसी दौरान यहां पर आपको बता दें कि उन्हें वापस भेज दिया गया, उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया और वहीं पर इस दौरान गुर्गों की ओर से उल्टा मीडिया से बदसलूकी की गई। जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की विधायक से तो यहां पर विधायक के गुर्गों ने मीडिया से ही बदसलूकी की। और ज्यादा जानकारी लेंगे अखिलेश सिंह हमारे संवाददाता फोनलाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश, अभी तक जो विधायक है बीजेपी के कुलदीप सेंगर, ना तो इनसे कोई पूछताछ पुलिस की ओर से की जा रही है, ना इन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है और जब वो बीती रात को पहुंचे तो उन्हें वापस भेज दिया गया। अखिलेश, आवाज मिल पा रही है आपको? अखिलेश, आवाज मिल पा रही है आपको? तो संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि उन्नाव गैंगरेप मामले में लगातार मामला ये बढ़ता ही जा रहा है और विधायक कुलदीप सेंगर बीती रात को अपने सैकड़ों की संख्या में गुर्गों के साथ में अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए एसएसपी दफ्तर पहुंचे, लेकिन यहां पर उनसे मिलने के लिए ना तो एसएसपी मौजूद थे, लेकिन साथ ही यहां पर उन्होंने सरेंडर करने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया। और अखिलेश सिंह हमारे संवाददाता फोनलाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश, कुलदीप सेंगर जो बीजेपी के विधायक हैं, उनसे अभी तक पुलिस की ओर से ना तो उन्हें गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है, ना एफआईआर अभी तक दर्ज हुई है, साथ ही बीती रात को अपने सैकड़ों की संख्या में गुर्गों के साथ वो एसएसपी दफ्तर भी पहुंचे। अंत बिल्कुल बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान कहा करती है कि उनके नेताओं के, विधायकों के और उनके कार्यकर्ताओं को सड़क पर गुंडा राज देखने को मिलता है और पुलिस भी गुंडा बन के कार्य करती है जब कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सदस्य किसी चीज को लेकर विरोध करते हुए, वही मामला एक बार फिर कल रात करीब 11:30 बजे लखनऊ में देखने को मिला, वो भी बीबीआईपी इलाके में देखने को मिलता है, जहां से विधानसभा आधा किलोमीटर दूर है, जहां से मुख्यमंत्री दफ्तर आधा किलोमीटर दूर है, जहां से राजभवन आधा किलोमीटर है और एसएसपी के ऑफिस पर, एसएसपी आवास के बाहर, एसएसपी के कमांड ऑफिस के बाहर जब विधायक करीब 100 गुर्गों के साथ करीब दर्जनों गाड़ियों में भरकर जब एसएसपी ऑफिस पहुंचे तो वहां मीडिया पहले से मौजूद रहती है कि सूचना आती है कि विधायक यहां पर सरेंडर करने आ रहे हैं। जब विधायक पहुंचे हैं तो मीडिया तत्काल उनसे बात करने की कोशिश करती है, उसी बीच उनके गुर्गे मीडिया से उलझ जाते हैं और उनको बातचीत करने से रोकते हैं और इसी बीच में कई गुर्गे तो हाथापाई करने पर भी उतारू हो जाते हैं और उस दौरान लखनऊ की पुलिस यानी कह सकते हैं हजरतगंज के पुलो हजरतगंज थाना प्रभारी आनंद शाही खुद वहां मौके पर अपने पुलिसकर्मियों के साथ मुख्य दर्शक बने रहते हैं और देखते रहते हैं, उनके गुर्जर लगातार विधायक के गुंडागर्दी कहते रहे, सड़क पर तांडव मचाते रहते हैं। उस दौरान जब मीडिया वालों ने विरोध करना शुरू किया, जब मीडिया वाले भी उनसे जब रोकने लगे और जब उनसे हाथापाई की नौबत आ गई तो उल्टे हजरतगंज पुलिस खुद मीडिया कर्मियों पर उलझने लगी और इन्हें धक्का मुक्की उनके साथ करके और उनके गुर्गों को गाड़ियों से भगाने में पूरा काम करती रही। किसी भी गुर्गे को उन्होंने पुलिस ने पकड़ने का काम नहीं किया, एक भी विधायक के गुर्गे को पकड़ा नहीं बल्कि उनको भगाने में और ये करने में सहयोग करते रहे। तो ये है भाजपा सरकार की गुंडागर्दी करने वाली पुलिस, जो भाजपा सपा सरकार में पुलिस को गुंडा पुलिस बनाया करती थी वही भाजपा सरकार में पुलिस गुंडा बनी हुई है। जी अखिलेश, कुलदीप सेंगर यहाँ सरेंडर करने के मकसद से ही पहुंचे थे या फिर ताकत दिखाने के लिए पहुंचे थे क्योंकि सैकड़ों की संख्या में गुर्गों को साथ लेकर चले?
अवंतिका, जब जिस प्रकार अब लगातार दबाव बढ़ रहा था तो कुलदीप सेंगर ने अब ये समझा था कि वो देर शाम के मेयो हॉस्पिटल लखनऊ में एडमिट हो जाते हैं और सीने में दर्द बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर और जब पड़ता है उनको लगता है यहाँ से उनको राहत मिलने वाली नहीं, तो वो एक और अपना रणनीति तय करते हैं कि क्यों ना लखनऊ के SSP ऑफिस पहुंचा जाए और वहां पर खुद को सरेंडर कर दिया जाए। हालांकि मीडिया को जैसे सूचना मिलती वहां मीडिया पहुंच जाती है, तो लेकिन इसके बावजूद भी विधायक अपने 100 गुर्गों के साथ यहाँ सरेंडर करने आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश के पुलिस के आलाकमान अधिकारियों के द्वारा कुछ ऐसा संकेत SSP को दिया गया होगा, इसलिए SSP अपने आवास के बगल में बने हुए अपने कमांड ऑफिस नहीं आते हैं और वहां पर किसी भी तरह से उनको सरेंडर करने के लिए नहीं मौका मिला दिया जाता है और SSP के ऑफिस के गेट को बंद कर दिया जाता है। यानी भाजपा का विधायक कुलदीप सेंगर वहां पर आता है तो SSP ऑफिस का गेट बंद कर दिया जाता है और विधायक को वहां से वापस भेज दिया जाता है, और जब यह स्थिति होती है तो मीडिया लगातार बात करने की कोशिश करती है तो उसके साथ हाथापाई की जाती है। और अब विधायक फरार है, पुलिस को पता नहीं विधायक कहाँ है, आगे जवाब देना होगा उत्तर प्रदेश पुलिस को कि रात में जब विधायक आया था तो विधायक को उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा, फिर उसी देख कुछ देर बाद विधायक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में। अखिलेश आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, एक बार सुनवाते हैं कि आखिर इस दौरान विधायक की ओर से, विधायक कुलदीप सेंगर की ओर से क्या कुछ कहा गया जब वो SSP दफ्तर पहुंचे और साथ ही यहां पर अपने सैकड़ों गुर्गों के साथ में जब हाथापाई चल रही थी उसके बाद वहां से निकलते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा मीडिया के सामने? जो लोग परेशान कर रहे हैं उनको आप लोग थोड़ा देख लीजिए, वो कारण नहीं है भाई, ताई आरोप नहीं है। जो लोग परेशान कर रहे हैं उनको आप लोग थोड़ा देख लीजिए, वो कारण नहीं है भाई, ताई आरोप नहीं है। जो लोग परेशान कर रहे हैं उनको आप लोग थोड़ा देख लीजिए, वो कारण नहीं है भाई, ताई आरोप नहीं है। अखिलेश लगातार बीते साल का मामला है, पीड़िता की ओर से जो है लगातार मांग उठाई जा रही है, विधायक के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं गैंगरेप के, लेकिन विधायक की ओर से कहा जा रहा है कि जो लोग आरोप कर रहे लगा रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं उनको देखना चाहिए। बिल्कुल वंशी, आपको बता दें कि 2017 में 9 जून को यह मामला सामने आता है जिस तरह से पीड़िता आरोप लगाती है और उसके बाद सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, उन्नाव की पुलिस और आला कमांड के नेताओं के पुलिस अधिकारियों के द्वारा इस मामले में किसी भी तरह से संजीदगी से नहीं ली जाती है। जब किसी दूसरे खिलाफ अगर शिकायत भी कर दी जाती है, कोई एप्लीकेशन में फर्जी भी देकर चला आता है तो उसको गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज देती है और इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज करना भी उचित नहीं समझा, विधायक से पूछताछ करना मुझे नहीं समझा, उसके बाद उसके चाचा को पकड़ लाती है, वो भी दिल्ली से पुलिस उठा के ले आती है, और जबकि हाईकोर्ट से ऑर्डर होता है कि उसको गिरफ्तारी पर उसकी रोक लगी होती है, वो दिल्ली में काम कर रहा होता है, नोएडा यहाँ से आपको पुलिस जाती है उसको दिल्ली से गिरफ्तार करके लाती है, फिर मुकदमे में उसको भेज के जेल भेज देती है, पुलिस की मौजूदगी में उसके अंगूठे लगवाए जाते हैं, उसकी पिटाई करके मारे जाते हैं, उसमें विधायक सब भाई अतुल सिंह गिरफ्तार किया जाता है। तमाम इस तरह के पहलुओं को देखने के बाद भी आखिर पुलिस, अखिलेश हालांकि पुलिस काम कर रही है, सरकार काम कर रही है इस मामले में या नहीं कर रही हो, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया इस मामले का। बिल्कुल रंजा, बता दें कि कल पीड़िता के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, उसके बाद हाईकोर्ट भी स्वतः संज्ञान लेता है कि ये मामला इतना बड़ा हो गया, उसके बाद पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, उत्तर प्रदेश सरकार सक्रिय क्यों नहीं हो रही, ये मामला होता और देर बाद मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी CBI की जांच का आदेश कर देते हैं और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कहते हैं CBI जांच होगी और इसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि इतने दिनों से मामला चल रहा है, पुलिस अपना बताने में लगी हुई, SSP को बिल्कुल सवाल उठते हैं अखिलेश, साथ ही क्या कुछ वजह जो है वो निकल कर सामने आ रही है, क्यों सरकार की ओर से पुलिस की ओर से कुलदीप सेंगर को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? अरविंद, आपको बता दें कि कल रात एक भारतीय जनता पार्टी के IP सिंह की तरफ से ट्वीट किया जाता है और ट्विटर में वो कहते हैं मुख्यमंत्री ने जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन इस विधायक भाजपा के कुलदीप सेंगर को अपने दफ्तर में मिलने बुलाया था, उस दिन उन्होंने योजना बनाई थी कि यहीं से विधायक की गिरफ्तारी कराई जाएगी और इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसी द्वारा किसी ऐसे पार्टी के नेता का दबाव आता है और मुख्यमंत्री के दफ्तर से उसको
विधायक को वापस दिया जाने दिया जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई रोक दी जाती है। तो ये भाजपा के किसी बड़े नेता के एक आईपी सिंह है उनके तरफ से ट्वीट करके आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री तो कार्रवाई करना चाहते थे, मुख्यमंत्री तो विधायक की गिरफ्तारी कराना चाहते थे, मुख्यमंत्री अपने दफ्तर में बुला के गिरफ्तारी कराना चाहते थे और उन्होंने विधायक को बुलाया था बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई। इसके पीछे कौन है, वो नेता कौन है? विधायक जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, एफआईआर तक जो है वो पुलिस की ओर से दर्ज नहीं की गई। इस मामले में लगातार घिरती जा रही है भारतीय जनता पार्टी और साथ ही यूपी सरकार जो है लगातार सवालों के घेरे में है, यूपी पुलिस सवालों के घेरे में है। ऐसे में बीती रात को भी जमकर हंगामा जो है ड्रामा जो है वो देखने को मिला एसएसपी दफ्तर के बाहर।